नमस्कार किसान भाइयों, कृषिफाई के मंडी भाव अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं राशि आपके साथ। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की अलग अलग मंडियों में अनाज के क्या दाम रहे। तो शुरुआत करते हैं आगर मालवा की मंडी के साथ, जहां पर गेहूं के उच्चतम दाम 2,220 रुपए रहे, मसूर के भाव 6,411 रुपए रहे, चने के भाव मंडी में 4,751 रुपए रहे, सरसों के भाव 6,700 रुपए रहे, डॉलर चना के भाव 8,528 रुपए रहे और धनिया के भाव 10,899 रुपए रहे। वहीं सोयाबीन के भाव 4,027 रहे। अलीराजपुर की मंडी में गेहूं के उच्चतम दाम 2,100 रुपए रहे, मक्के के भाव 1,600 रुपए रहे, इमली के भाव 2,250 रुपए रहे और उड़द के भाव यहां पर 4,000 रुपए रहे, चने के भाव 4,500 रुपए रहे। छिंदवाड़ा की मंडी में गेहूं के उच्चतम दाम 2,265 रुपए रहे और चने के भाव मंडी में 4,462 रुपए रहे। अब बात कर लेते हैं बड़वानी की मंडी की, जहां पर गेहूं के उच्चतम दाम 2,200 रुपए रहे, मक्का 2,150 के उच्चतम दाम पर बिका, बाजरा के भाव 1,850 रहे तो वहीं सौंफ के भाव 11,500 रुपए रहे। भोपाल की मंडी में लहसुन के भाव 1,500 रहे और गेहूं के भाव 2,213 रुपए रहे। देवास की मंडी की बात कर लेते हैं, जहां पर गेहूं के दाम 2,441 रुपए रहे, सोयाबीन के भाव 7,071 रुपए रहे, चने के भाव 5,001 रुपए रहे, मसूर के भाव 6,021 रुपए रहे और मक्के के भाव 2,203 रुपए रहे। ग्वालियर की मंडी में धान के भाव 4,050 रुपए रहे। गुना की मंडी की बात करें तो यहां पर गेहूं 3,125 रुपए के उच्चतम दाम पर बिका, वहीं तिवड़ा के दाम 2,705 रुपए रहे। बुरहानपुर की मंडी में मक्का के भाव 2,211 रुपए रहे, गेहूं के भाव 2,125 रुपए रहे और चने के भाव 4,350 रुपए रहे। रतलाम की मंडी की बात करें तो यहां पर गेहूं के भाव 2,230 रुपए रहे। धार की मंडी की बात करें तो यहां पर गेहूं के भाव 2,295 रुपए रहे, लहसुन के भाव यहां पर 1,000 रुपए रहे और सोयाबीन के भाव 7,850 रुपए रहे। साथ ही साथ यहां पर चने के भाव 4,210 रुपए रहे और मक्के के भाव यहां पर 2,100 रुपए रहे और मटर के भाव 3,300 रुपए तक रहे। इसके अलावा बात कर लेते हैं उज्जैन की मंडी की, जहां पर गेहूं के दाम 2,428 रुपए रहे, लहसुन के दाम यहां पर 2,200 रुपए रहे। वहीं मंडला की मंडी में गेहूं के दाम 2,015 रुपए रहे, धान के दाम 1,421 रुपए रहे, मसूर के भाव 5,500 रुपए रहे, सन बीज के भाव 6,430 रुपए रहे, मक्के के भाव 1,925 रुपए रहे, वहीं मटर के भाव यहां पर 4,000 रुपए रहे तो वहीं चने के भाव भी 4,000 रुपए तक उच्चतम दाम पर बिके। छिंदवाड़ा की मंडी की बात करें तो यहां पर गेहूं के दाम 2,265 रुपए रहे और चने के दाम 4,462 रुपए रहे। कटनी की मंडी में गेहूं के दाम 2,057 रुपए रहे, चने के भाव 4,582 रुपए रहे और सरसों के भाव 6,344 रुपए रहे। होशंगाबाद की मंडी की बात कर लेते हैं, यहां पर गेहूं के दाम 2,022 रुपए रहे। इंदौर की मंडी की बात करें तो गेहूं के दाम 2,550 रुपए रहे, आलू के भाव 1,485 रुपए रहे, लहसुन के भाव 1,353 रुपए रहे, डॉलर चना के भाव 8,690 रहे, चना के भाव 8,890 रहे, सोयाबीन के भाव 7,155 रहे तो वहीं मिर्ची के भाव 12,800 रुपए तक गए। मंदसौर की मंडी में गेहूं के भाव 14,321 रुपए रहे, अलसी के भाव 7,292 रुपए रहे, सोयाबीन के भाव 7,300 रुपए रहे, मेथी दाना के भाव 5,363 रुपए रहे, डॉलर चना के भाव 8,201 रहे और कलौंजी के भाव 14,883 रहे। नीमच की मंडी में गेहूं के भाव 2,490 रहे, मेथी दाना के भाव 7,011 रहे, लहसुन के भाव 13,501 रहे, धनिया के भाव 12,601 रहे, अलसी के भाव 7,307 रुपए रहे और सोयाबीन के भाव 7,115 रुपए रहे। दतिया की मंडी की बात करें तो यहां पर गेहूं के दाम 2,312 रहे, सरसों के दाम 6,607 रहे और चने के दाम 4,110 रुपए रहे। तो किसान भाइयों, ये रहा आज का मध्य प्रदेश का मंडी भाव अपडेट।
किसानों से जुड़ी और भी खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए कृषि फाइव के साथ। धन्यवाद।